योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हर अच्छी और बुरी चीज को योगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि आदित्यनाथ के आदेश पर एटा जिले में मुसलमानों की 7 दुकानें खाली करवाई गई, मगर हकीकत इसके उलट है। पुलिस वाले एटा में 7 दुकानों के ताले तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ मुस्लिम महिलाएं नाइंसाफी की दुहाई दे रही हैं। असल में मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। एटा में 7 दुकानों का मालिक अमित पचौरी नामक शख्स है, जिन पर पिछले 20 साल से अवैध कब्जा था। इस मामले को पचौरी कोर्ट ले गया, जहां उसकी जीत हुई। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हमने अदालत के आदेश का पालन करते हुए उन 7 दुकानों के ताले तोड़े हैं, इसमें मुख्यमंत्री योगी का कोई दखल नहीं है।